21.32 मीटर पे पानी फ्लो कर रहा है। हर जगह पर कुछ इसी तरीके का सीन्स है और पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, पहाड़ों से डायरेक्ट पानी आ रहा है। जितना बारिश होता रहेगा पहाड़ों पे 21.42। अच्छा, तो अभी 21.41 है। दैट मीन सो हेलो वसंत पीपल, बताइए क्या हाल चाल। वेलकम यू ऑल टू वेरी फ्रेश न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप लोगों को आई थिंक मैं बता दूं कि सिलचर पे और असम पे बहुत दिनों से बारिश हो रहा है, कंटिन्यू बारिश, हैवी रेनफॉल हो रहा है और जिसकी वजह से सिलचर और गुवाहाटी पे दोनों पे ही फ्लड का सिचुएशन बन गया है। और गुवाहाटी का तो एक्चुअली इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मैं अपने दोस्त लोगों से जान पा रहा हूँ गुवाहाटी का भी सिचुएशन ठीक नहीं है और ऊपर से सिलचर का भी हालत एकदम भी ठीक नहीं है। मई महीने के लास्ट में भी फ्लड हो चुका है एक बार ऑलरेडी, और अभी इस बारिश के कारण फिर से फ्लड का सिचुएशन हो चुका है। फ्लड सिचुएशन क्या, फ्लड हो ही चुका है, क्योंकि जो डेंजर लेवल है सिलचर में बराक रिवर का वो है 19.83 मीटर्स, लेकिन अभी जो पानी फ्लो कर रहा है वो है अभी लेटेस्ट 21.32 मीटर पे पानी फ्लो कर रहा है। और अभी मेरे जो गली के सामने, उसके बाद सिलचर पर हर जगह पर वाटर लॉगिंग का इशू आ रहा है, और इसी को देखते हुए मैं जा रहा हूँ आज फुल देखने के लिए कहाँ पर क्या हालत है, क्या कौन सा सिचुएशन है और आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी थोड़ा बहुत सूरज देवता ने प्रकट लिया है और इसको देखते हुए मैं जो भी अपडेट्स होता है मैं आप लोगों को आप लोगों को मैं बोलूँगा अपडेट्स क्या है क्या नहीं। तो इसी को लेके अब ब्लॉग एंड तक देखना और हर दिन का अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा। चलो देखते, ये रहा मेरे गली के बाहर का हालत, दैट इज़ चर्च रोड। चर्च रोड में पानी है पूरा, इस तरफ में भी फुल पानी है। लेकिन कल का सीन कुछ ऐसा था, कल क्लिप नहीं लिया मैंने, कल का सीन कुछ ऐसा था, ये जो पूरा रोड अभी खाली देख रहे हो, सूखा हुआ देख रहे हो, ये सूखा एकदम भी नहीं था, ये पूरा मतलब मेरे यहाँ तक पानी था, दैट इज मेरे नी के ठीक नीचे पानी था। और अभी फुटपाथ से होके हुए हम लोग जाएंगे, क्योंकि एक भैया से मैंने पूछा था कि फुटपाथ से जा सकते हैं क्या, तो तब भैया ने बताया कि आप फुटपाथ से इजीली जा सकते हो। और ये जो पानी आप लोग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बारिश का पानी है जो कि जा नहीं पा रहा है। और ये देखो घर के अंदर का हालत, और हर जगह पर कुछ इसी तरीके का सीन्स है। अभी तक तो नदी का पानी नहीं घुसा, अगर नदी का पानी घुस जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। 2007 को सितंबर महीने पे जो फ्लड आया था ना, तब पानी का लेवल था लगभग 21.73। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ये रेलवे लाइन देख सकते हो, तारापुर का जो ब्रिज है वो क्रॉस करने के बाद जो रेलवे लाइन है वो क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले कभी भी इतना पानी नहीं देखा था। आप जैसे कि देख सकते हो ये जो छोटे छोटे घर हैं ये सब पानी के अंदर जा चुके हैं। तो पहले लास्ट टाइम मैं जिस लोकेशन पे गया था, दैट इज़ जेंडी कॉलोनी, वहाँ पर जाके क्या सीन है अभी वो देखते हैं। तो फिलहाल ये जगह आप लोग देख सकते हो, पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे का कंटिन्यूस बारिश दिया था, तो चलते हैं जेंडी कॉलोनी और वहाँ पर जाके देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। चलो, मेरा जो पहला वीडियो था जो कि मई महीने पर जो फ्लड हुआ था, उस दौरान आप लोगों ने देखा था पानी यहाँ तक ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। और जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन अभी क्या है देखो, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ों पे अभी भी बारिश हो रहा है। यहाँ पर आप लोग पानी का फ्लो देख सकते हो, और सेम पहले की तरह पेड़ वगैरह सब पानी के नीचे है। तो चलते और एक लोकेशन पर और वहाँ पर जाके आप लोगों से मिलते हैं। चलो, जैसे कि मैंने पहले वीडियो पे आप लोगों को उदयनगर वाला पार्ट दिखाया था, और तब जितना पानी था अभी बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पर। और जैसे कि देख सकते हो घर वर सब पानी के अंदर चले गए हैं, और पानी का लेवल जितना समय जा रहा है पानी का लेवल उतना ज़्यादा बढ़ ही रहा है। और यहाँ पर जैसे कि लोकल सब टेंशन पे है कि क्या करें क्या नहीं, बहुत सारे लोगों के घर पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रह जाते हैं, जिसके वजह से हर लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी तुम्हारा घर की इखने भीतर ही তোমার ঘর এখানে মানে তোমার ঘরে কোনো রকমের কিছু প্রবলেম টবলেম হয়েছে এখনো সব ডকুমেন্ট কোন বাইক হয়ে দিছো সব ঠিক আছে না আর জলের ফ্লো সময়ের লগে লগে বাড়িয়া যায় না নি अभी मैं इनके घर के सामने हूँ, और जैसे कि देख सकते हो घर के अंदर पूरा पानी घुस चुका है। এখন আপনি উপরে থাকরা না নি মানে নিচে এখন মানে থাকাই জানা আর নিচে যা জিনিস আসলো আপনি সব উপরে নিলাইছেন
अभी जैसे कि देख सकते हो मैंने उनसे बात किया है, खाने का जो भी सामान था और जो भी रहने का सामान था उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर लिया है। मैं अभी एक आंटी के घर के अंदर घुस रहा हूँ और यहाँ पर पूरा पानी था। पूरा पानी हो चुका था और घर का जो भी सामान था उन्होंने सब ऊपर उठा के रखा है ताकि पानी से कोई इफेक्ट ना हो। वो लोग बोल रहे हैं कि स्विच गेट खुला था जिसके वजह से पानी घुस चुका था। तो इसी तरीके से आपको सबका घर दिखा रहा हूँ और मतलब सब जगह आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी रेस्क्यू प्रोवाइड करे और जितने भी इम्पोर्टेंट काम है जो गवर्नमेंट का करना चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी करे और यही मेरा रिक्वेस्ट है। और आगे जाके मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ सिलचर का एट प्रेजेंट का हालत क्या है। पहले भी ये वाला गली आप लोगों को दिखाया था, अब फिर से देखिए सेकेंड टाइम मई महीने के बाद जून महीने में फिर से ये हालत हो चुका है। तो ये रहा गली का हालत, यहाँ पर सब इस तरीके के नाव बना के घर से मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो लेके आ रहे हैं। इन लोगों का स्ट्रगल्स देखिए, ये है रियल स्ट्रगल्स। भितरे कतटुक पर्यंत जल आसे, पूरा डूब जल आसे ना नहीं, एखन पर्यंत तो कोनो रकमेर हेल्प आनना, गतबार तो ताओ एकटू जल्दी हेल्प आई गेसिलो। अभी हम लोग अन्नपूर्णा घाट पे आ चुके हैं और मंदिर का हालत कुछ इस तरीके के देख सकते हो कि अंदर पूरा पानी है, जैसे कि देख सकते हो अंदर से पूरा पानी फ्लो हो के आ रहा है। नदी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए किस तरीके से पानी ईच एंड एवरी सेकंड भर रहा है, यानी ईच एंड एवरी सेकंड भर रहा है। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, पहाड़ों से डायरेक्ट पानी आ रहा है। जितना बारिश होता रहेगा पहाड़ों पे उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अभी चलते हैं बोट के तरफ जहाँ पर लिखा हुआ है कि पर आवर कितना सेंटीमीटर से पानी राइज हो रहा है, तो इंक्रीज का फ्लो कितना है वो वहाँ पर जाके बोट पर आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन एक बार पानी का फ्लो देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा व्हाइल एडिटिंग और उसके बाद और भी अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो ये रहा अन्नपूर्णा घाट का अपडेट और अभी चलते हैं दूसरी और एक जगह जहाँ पर अपडेट देना इम्पोर्टेंट मुझे फील हो रहा है। चलो गाइज, यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं नदी का हाल देखने के लिए। इचन आवर कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है पानी का फ्लो वो देखने के लिए सब यहाँ पर आ चुके, भीड़ जमा हो चुका है। तो अभी आप लोगों को मैं बोट दिखाता हूँ जहाज पर लिखा होता है कि पानी का लेवल कितना इंक्रीज हुआ है, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप स्क्रीन पॉज करके वीडियो पॉज करके देख सकते हो इच एंड एवरी आवर कितना सेंटीमीटर करके बढ़ा है। और जैसे कि 2 बजे तक था 21.39 और अभी 15 दैट इज 3 बजे तक हुआ है 21.41, दैट इज 2 सेंटीमीटर करके बढ़ रहा है पानी। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि पहले जैसे 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से पानी बढ़ रहा था, अभी टाउन पे पानी घुस रहा है, बहुत एरिया पे मतलब पानी घुस रहा है अभी, इसके वजह से सेंटीमीटर इतना ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा है। अभी अगर 1 सेंटीमीटर पे बढ़ता है ये भी बहुत है अभी टाउन के लिए। वैसे भी पानी घुस रहा है होल टाउन के अंदर, उसमें भी अगर पानी इंक्रीज होता रहा तो हालत बहुत बुरा होने वाला है। तो अंकल जी बता दीजिए कितना लेवल था पानी का 2007 और 2004 में? 2004 में था आपको 21.61, अच्छा, और 2007 में था 21.42। अच्छा, तो अभी 21.41 है, दैट मींस 2007 का जो लेवल है वो क्रॉस कर दे। क्रॉस नहीं हुआ, 1 सेंटीमीटर होगा तो क्रॉस होगा, वही लेवल पे है। तो अभी फॉरकास्ट क्या बता रहे, मतलब और भी पानी का लेवल बढ़ने में 4.5। अच्छा अच्छा, हो सकता है उसको 15 राइजिंग और 15 पॉइंट, ये हम लोग सेंट्रल वाटर कमीशन से मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन लोग का रिपोर्ट के ऊपर वो मोटिफाई हो सकता है, अगर
गलत हो गलत हो लेकिन गलत नहीं हो अभी करेक्ट है। अच्छा अच्छा अभी तक करेक्ट है मतलब पहाड़ों पे जितना बारिश देगा उतना बढ़ता ही रहेगा यहाँ पर। अच्छा थैंक यू। अभी आप लोग देख सकते हो इटखोला का हालत क्या है, अभी पानी हर जगह पर, ये सेकेंड टाइम हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इटखोला पे मेरे कुछ दोस्त लोगों का घर है और उनके घर में फिर से पानी घुसने का मतलब जो चांसेस है वो बढ़ चुका है। तो जितना भी समय बढ़ रहा है पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। उस तरफ एक बांध है एक्चुअली, उस बांध के लिए आई थिंक यहाँ पर पानी जमा हो रहा है। और अभी ये बोलना मतलब टफ होगा कि ये बारिश का पानी है या फिर नदी का पानी है। सब लोगों को यहाँ पर तकलीफ उठाना पड़ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ रेन एंड हैवी रेनफॉल। और ये तो देख लिया इटखोला का हालत, और उस तरफ अभी जाके दिखाते हैं आपको ईदगाह का हालत क्या है। ईदगाह का जो गली है मस्जिद की, यहाँ पर क्या हाल हो रखा है। और जैसे कि देख सकते हो सब लोगों ने स्कूटी या फिर बाइक, गाड़ी, ऑटो, जो भी जहाँ पर है सब लोगों ने यहाँ पर पार्क करके रखा है ताकि कुछ डिफ़िकल्टीज के टाइम वो लोग निकल सके। तो ये रहा शामीजी रोड का हालत इटखोला। ये देखो सब लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है ओनली बिकॉज ऑफ दिस टू मच ऑफ रेनफॉल एंड एवरीथिंग। देखिए सब लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, नी लेवल तक पानी है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी बारिश फिर से आ रहा है। ज़्यादा बारिश पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से मिल चुका है कि अभी सिलचर का एट प्रेजेंट हालत क्या है। और कल फिर से निकलेंगे, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आई थिंक पानी का लेवल और भी बढ़ चुका होगा। आज के वीडियो पे इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा देन पता है ना आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना है। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस टाइम पर नीडी पर्सन है उन लोगों को आप हेल्प कीजिए, और जिन लोगों को भी रेस्क्यू का मतलब ज़रूरत है उन लोगों को रेस्क्यू कीजिए, और जो भी नेसेसरी नीड्स है प्रोवाइड कीजिए। तो इसके साथ चलते हैं और मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग पे। चलो टाटा बाय।